सिंध प्रांत से भारत के विभिन्न हिस्सों में बसे सिंध समुदाय के घरों में होली के पहले अपने रिश्तेदारों के साथ मित्रों के यहाँ गेहूं मिठाई भेजने का रिवाज है। होली से पहले बाजारों में इन मिठाइयों की दुकान सज जाती है जो रंगपंचमी के बाद तक जारी रहती है। सिंधी समाज में मान्यता है कि बेटियों को ये मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। मिठाई की दुकान चलाने वाले गोकलानी का कहना है कि होली के अवसर पर लोग अपनी बहनों, बुआ, दामाद के लिए गियर इस मंशा से भेजते हैं कि गियर जैसी मिठाई की मिठास हमेशा जीवन में घुली रहे। सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि होली का त्यौहार उल्लास का त्यौहार है। ये पर्व बुराइयों को समाप्त कर जीवन को आपसी सामंजस्य से निभाने का संदेश देता है। गियर मिठाई भेजने का ये भी एक संदेश होता है कि भले ही मिठाई की बनावट उलझी हुई हो, लेकिन इसके मिठास का गुण लोगों को आकर्षित करता है। ये हमारे इसमें सिंधी त्यौहार में ये समोसे, गियर और ये कचौड़ी ये बहुत फेमस रहते हैं। ये बहन बेटियों को ऋण के रूप में दिया जाता है और होली हमारे यहाँ इसी से ही मनाई जाती है। घियर से इसी से मुंह मीठा किया जाता है। इससे हम एक दिन पहले है ना मीठी रोटी बनाते हैं गुड़ की, उसको है ना कंडे पर सेकते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। उसमें घियर वगैरह ये घियर भी डालते हैं और फिर हम मतलब उस कंडे की जो हम वो होली का बनाते हैं और उस मतलब आटे के गुड़ की एक लोई बनाते हैं, उस पर हम धागा बांधते हैं। तो हम उसको जब सेकते हैं ना तो वो धागा नहीं जलता है, वो हमारी रोटी पक जाती है पर धागा नहीं जलता है। ये एक्चुअली मैदा और घी डलता है और सिर्फ है ना अपने होली पे बनता है। अपने होली से 10 दिन पहले से बनता है, रंगपंचमी तक बनता है। सिर्फ सिंधियों को में लेन देन करते हैं और घी लगता है, मैदा लगता है। तो ये मिठाई अपने होली पे ही हम चलाते हैं, सिर्फ होली पे बनाते हैं। और अपने जो त्यौहार होली का रहता है अपने बहू बहनों को, भतीजों को, बेटियों को देते हैं उनके उपलक्ष में, होली के उपलक्ष में देते हैं। किस तरह से बनती है ये मिठाइयाँ, क्या क्या? ये इसमें समोसे बनाते हैं, मावे के बनाते हैं, हलवे के बनाते हैं और गियर बनाते हैं, कचौड़ी, समोसे। यही संदेश इस मिठाई के नाम से दिया जाता है कि भले ही जिंदगी में कई उलझने हो लेकिन रिश्तों की मिठास मरते दम तक बनी रहनी चाहिए। यही संदेश देने के लिए सदियों से सिंधी समुदाय सिंध से लेकर भारत में गियर मिठाई होली पर्व पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजता चला आ रहा है।